So we are continuing chapter number 14, magnetism. So in our first video we have already studied most of the things of this chapter, like we studied what is a natural and artificial magnet, and even we saw the discovery of magnet also, and how we can prepare a magnet from a simple iron piece, and the properties also we studied. So today our topic will be poles of magnet always exist in pairs. Now take a magnet and break it into two pieces from the middle. The two pieces obtained will have two poles, that is the north pole and the south pole of their own. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेट रहती है वो हमेशा दो पोल्स के साथ एग्जिस्ट करती है, यानी कि कभी भी मैग्नेट जो है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ द साउथ पोल, तो अगर आप इसको बीच में से तोड़ देंगे तो दैट डजेंट मीन कि नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेट जो होती है उसके दो पोल्स हमेशा होते हैं. अगर आप इसको बीच में से तोड़ देते हैं तो जो नए दो मैग्नेट्स बनेंगे, यानी कि इसको तोड़ने से वो दो मैग्नेट ये रहे, तो इनके खुद ब खुद एक एक जो पोल है और जनरेट हो जाएगा. जैसे कि ये नॉर्थ था, नॉर्थ ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन जब इसको तोड़ देंगे तो ये साउथ पोल जनरेट हो जाएगा. वैसे ही साउथ पोल यहाँ पर है ऑलरेडी, तो इसके अंदर जब हम तोड़ेंगे तो नॉर्थ पोल खुद ब खुद बन जाएगा, यानी कि जितने पीसेज आप करोगे वो हमेशा एक पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, अकेले आपको कभी नहीं मिलेगा. यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल सेपरेट आपको कभी नहीं मिलेगा, वो हमेशा पेयर में ही मिलेगा. सो दिस मीन्स दैट वी कांट आइसोलेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट. तो इसका मतलब कि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है उनको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं करते हैं, वो हमेशा पेयर में ही हमें मिलेंगे. नेक्स्ट विल सी टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म. रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू टेस्ट वेदर गिवन मेटेलिक बार इज अ मैग्नेट और नॉट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ बार मैग्नेट सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द मेटेलिक बार नियर वन पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट at a time. If one end of the metallic bar is attracted and the other is repelled, the metallic bar is a magnet. If both the ends of a metallic bar are attracted, it is not a magnet. तो यहाँ पर एक आसान सा टेस्ट दिया गया है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो मैग्नेट है वो मैग्नेट है कि नहीं, यानी कि कोई भी एक पीस ऑफ जो मैग्नेट ले लो या पीस ऑफ आयन ले लो, कि वो मैग्नेट है कि नहीं, इसको टेस्ट करने का तरीका बताया है. हमें एक बार मैग्नेट लेनी है, मैग्नेट लिया हमने, फिर उसको हवा में हम लटका देंगे, यानी कि सस्पेंड कर देंगे धागे से बांध कर. फिर हम क्या करेंगे, उसका जो जो बार मैग्नेट है उसके पास में, नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मेटालिक बार नियर वन पोल ऑफ द सस्पेंड, यानी कि जो बार मैग्नेट आपने लटकाया है तो एक मेटेलिक एंड, मेटेलिक बार यानी कि कोई भी एक मेटल का टुकड़ा छोटा सा लोहे का, वो लेके आप इसके एक छोर के पास लाओगे, यानी कि एक उसका साउथ या नॉर्थ पोल किसी भी एक पोल के पास लाओगे, तो आप देखोगे कि वो अट्रैक्ट कर रहा है, और जब दूसरा एंड उसके पास लाओगे तो वो रिपेल करेगा. लेकिन अगर वो दोनों एंड, इफ बोथ द एंड्स ऑफ द मेटेलिक बार अट्रैक्टेड, इट इज़ नॉट अ मैग्नेट. अगर दोनों एंड्स अट्रैक्ट होते हैं तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ मैग्नेट. लेकिन अगर एक एंड अट्रैक्ट होता है और एक एंड रिपेल होता है तो हम कह सकते हैं कि वो मैग्नेट है, यानी कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपको पता है कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्शन शो करते हैं. तो यहाँ पर ये दोनों ही टेस्ट हमारे कामयाब होंगे. अगर वो जब आप उस सस्पेंडेड बार मैग्नेट के पास में कोई भी लोहे की चीज़ लाओगे, लोहे का कोई भी पार्टिकल लाओगे, तो एक तरफ से तो उसको अट्रैक्ट करेगा और दूसरे एंड से उसको रिपेल करेगा. अगर वो दोनों तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब वो मैग्नेट नहीं है. नेक्स्ट वी हैव अर्थ एज अ मैग्नेट. वी हैव रेड दैट फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो हम अगर किसी मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो हमेशा वो किस डायरेक्शन में रुकेगी, नॉर्थ साउथ में. ये क्यों होता है, बिकॉज द अर्थ इट्सेल्फ बिहेव लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट. तो इसका रीज़न ये है कि अर्थ जो है वो खुद भी एक बड़ी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. यहाँ पर डिडनो में कुछ दिया है, ये देख लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज फेल्ट. तो मैग्नेटिक फील्ड किसे कहा जाता है, समझिए हमने एक मैग्नेट लिया, दिस इज अ बार मैग्नेट. तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें वो उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है. जैसे कि आप देखिए, ये समझिए एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ है, अगर मैं इसको इससे इतनी दूरी पर रखूँगा तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगी. ये इसको कब अट्रैक्ट करेगी, जब हम इस रेंज के अंदर आएंगे. सपोज मैंने इस चीज़ को यहाँ रखा तो ये तुरंत इसके चिपक जाएगी. तो यानी कि ये जो बार मैग्नेट है इसका जो फील्ड है ये इतना एरिया,
जिससे वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है, इसको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द साउथ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट इज नियर द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड द नॉर्थ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट इज नियर द जियोग्राफिकल साउथ पोल। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया है कि ये देखिए मैग्नेटिक निडल है, और मैग्नेटिक निडल जो आप देख रहे हैं, और ये अर्थ है, और अर्थ हमारी जो है वो ऑलरेडी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, यानी कि अर्थ इट्सेल्फ इज अ मैग्नेट। तो अर्थ एक मैग्नेट है, तो आप देख सकते हो सपोज ये अर्थ है हमारी, तो ये इसका साउथ पोल है और दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस यू कैन सी हियर, ये आपको, तो दिस इज द साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल, तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, तो ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक निडल है, तो निडल जो है, निडल का जो साउथ साउथ पोल होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा, और मिडिल का जो नॉर्थ पोल होगा वो साउथ साउथ की तरफ होगा। यानी कि हमने देखा कि अपोजिट पोल्स यानी कि अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये साउथ पोल है तो मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल होगा, और अगर ये नॉर्थ पोल है तो मैग्नेट का ये साउथ पोल होगा। द नॉर्थ पोल इज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ। सिमिलरली द साउथ पोल ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड्स जियोग्राफिकल जियोग्राफिक साउथ पोल बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, अब यहाँ देखिए दिस इज द जियोग्राफिक साउथ। इस पिक्चर को समझने के लिए एक बार फिर हम देखते हैं कि क्या कहना है, दिस इज द जियोग्राफिक नॉर्थ, यानी कि एक्चुअली हम देखें तो ये नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिकली देखने जाए, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो होता है ये हमारा होता है नॉर्थ, बॉटम का हिस्सा जो है दिस इज साउथ, ठीक है। तो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, दिस इज अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये ऊपर का पार्ट नॉर्थ है और ये साउथ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पोल है ये साउथ पोल है, ठीक है। ये मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक ये साउथ पोल है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है जो कि यहाँ पर दिया गया। तो कहा गया है कि जो इस निडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ होगा, यानी कि ये जो नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट को आप देख रहे हैं तो मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ किस तरफ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ, लेकिन एक्चुअल में दिस इज द साउथ पोल, लेकिन ज्योग्राफिकली देखा जाए तो दिस इज द नॉर्थ पोल ओनली। तो इसका नॉर्थ जो है वो नॉर्थ की तरफ रहेगा, लेकिन अगर मैग्नेटिक हिसाब से देखें हम तो दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। तो क्योंकि ये अपोजिट रहेंगे तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, वरना क्या रीज़न होगा कि ये जो है ये साउथ पोल अगर ये होता है तो ये भी साउथ पोल होगा, तो ये तो सिमिलर पोल्स हुए तो ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये तो रिपेल करेंगे। तो इस तरीके से जो इसका नॉर्थ पोल होगा वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ होगा, और इसी मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल जो होगा वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ होगा। देन विल सी अबाउट द मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। तो मैग्नेटिक कंपास किसे कहा जाता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम डायरेक्शंस का यानी कि दिशाओं का पता लगाते हैं। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक छोटा सा बार मैग्नेट होता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ निडल, एक निडल के फॉर्म में होता है ये, जो कि एक बॉक्स के अंदर पैक होता है जिसके ऊपर ग्लास टॉप होता है, ऊपर से कांच लगा होता है। द निडल इज फ्री टू मूव अबाउट इट्स सेंटर। निडल जो होती है वो घूमने के लिए फ्री होती है, आपने देखा होगा इस तरह का मैग्नेटिक कंपास जो होता है, निडल चारों तरफ घूम सकती है। द बेस ऑफ द बॉक्स इज मार्क्ड विद डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, दिस इज रिटन W यानी कि वेस्ट है, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ये है साउथ वेस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है ईस्ट वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट। तो ये जो है ये मार्किंग उसके ऊपर रहती है। तो ये मार्किंग को कैसे इसमें पहचाना जाता है, मैग्नेटिक कंपास इज ऑफ ग्रेट यूज टू ट्रेवलर्स एंड नेविगेटर्स एज इट टेल्स देम द डायरेक्शन इन विच दे आर ट्रेवलिंग। अब इसका उपयोग किया जाता था ट्रेवलर्स के द्वारा, नेविगेटर्स जो कि नाविक जो होते हैं उनके द्वारा, जब वो ट्रेवल करते हैं तो इस कंपास की मदद से वो दिशा का पता लगा सकते हैं। द मैग्नेटिक कंपास वर्क्स ऑन द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, और इसका वर्किंग जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेट के ऊपर ही काम करता है। द कंपास इज केप्ट एट एनी प्लेस, इट्स नीडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। अगर आप इस कंपास को कहीं भी रखेंगे तो इसकी जो नीडल होगी
वो हमेशा इस तरह रुक जाएगी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का आप इससे पता लगा सकते हो। आगे हम देखेंगे डी मैग्नेटाइजेशन के बारे में। मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप्ड। अब हमने देखा कि एक आयन को हम मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि एक मैग्नेट जो है वो हमेशा के लिए मैग्नेट नहीं रहता है। अगर उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया जाए, उसकी प्रॉपर केयर ना की जाए, तो वो डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है। तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। अगर मैग्नेट्स को आप प्रॉपरली नहीं रखें, यानी कि अगर उसको गर्म किया जाए, उसको हैमर्ड यानी उसको थोड़े से ज़ोर ज़ोर से मारा जाए, या फिर उसको ड्रॉप किया जाए हाइट से, तो इस प्रकार उसकी मैग्नेटिज्म जो है वो ख़त्म हो सकता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड डी मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेट इज सेट टू बी डी मैग्नेटाइज। इस प्रोसेस को कहते हैं डी मैग्नेटाइजेशन, और अगर ऐसा किया जाता है तो इसको हम कहते हैं डी मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट। तो यानी कि ऐसा मैग्नेट जिसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो चुका है। इसके मैंने तीन तरीके आपको यहाँ पर बताए हैं। स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट्स, तो इस कारण से हमें जो मैग्नेट को अगर रखना है अपने पास, स्टोर करना है, तो बहुत ही केयरफुली रखना पड़ता है। तो कैसे रखेंगे? अ परमानेंट मैग्नेट टेंड्स टू लूज इट्स मैग्नेटिज्म आफ्टर सम टाइम इफ इट इज़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। दिस इज़ नोन एज सेल्फ डी मैग्नेटाइजेशन। कोई भी मैग्नेट जो है वो कुछ समय के बाद खुद ब खुद अपनी जो मैग्नेटिज्म है वो खो देता है, अपनी प्रॉपर्टी खो देता है। इसको कहा जाता है सेल्फ मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन जो था डी मैग्नेटाइजेशन हुआ, लेकिन सेल्फली हुआ, उसने खुद ही अपने आप छोड़ दिया, इसीलिए इसको ये कहा जाता है सेल्फ डी मैग्नेटाइजेशन। सो इट इज़ एसेंशियल टू स्टोर मैग्नेट्स केयरफुली। इसी कारण से मैग्नेट्स को बड़े ही ध्यान से रखना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे रखा जा सकता है ये देखिए। दीज आर द मैग्नेटिक कीपर्स। ये देखिए, ये दो वुड के पार्टीशन है, ये देखिए ये वुड का पार्टीशन है, ऊपर से भी इसको पैक किया गया है वुड से, नीचे से भी, और इसको रखा कैसे गया देखिए। दिस इज़ अ साउथ पोल, दिस इज़ अ नॉर्थ पोल, और दूसरे मैग्नेट को देखिए आप, दिस इज़ अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ अ साउथ पोल, यानी कि अपोजिट पोल्स जो है वो एक दूसरे के पास में है। वैसे ही अगर आप यहाँ रखना चाहें तो दिस इज़ अ मैग्नेटिक कीपर, और यहाँ पर भी आप इस प्रकार से होर्सशू शेप को, शेप के मैग्नेट को इस प्रकार से रख सकते हैं। नाउ बार मैग्नेट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम सेट। तो बार मैग्नेट जो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखा, ये फर्स्ट वाला दिस वन, इसमें आपने देखा कि बार मैग्नेट है, और इनको जब स्टोर किया जाता है तो वो अनलाइक पोल्स जो है वो सेम साइड पे रहने चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल दोनों अनलाइक पोल्स हैं और ये सेम साइड पे हैं। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय पीस ऑफ वुड, और उनके बीच में एक वुडन पीस रखा गया है जिसने इसको अलग किया है एक दूसरे से। तो इस प्रकार से आप इसको रख सकते हो। टू बार्स ऑफ सॉफ्ट आयरन कॉल्ड मैग्नेटिक कीपर्स आर केप्ट अक्रॉस द एंड्स। अब यहाँ पर दो सॉफ्ट आयरन के बार्स होते हैं जो कि कॉर्नर्स में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, दिस इज़ नॉट वुड एक्चुअली, ये आयरन के बार्स, यानी कि आयरन के दो टुकड़े हैं जो कि ऊपर और नीचे रखे गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेगी तो ये चिपक जाएंगे एक दूसरे से। तो इस प्रकार ये सिस्टम सेटअप हो जाता है। तो इस तरीके से आप बार मैग्नेट को स्टोर कर सकते हैं। इन केस ऑफ अ होर्सशू शेप मैग्नेट, अ सिंगल पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज केप्ट टचिंग बोथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। लेकिन अगर हम होर्सशू मैग्नेट की बात करें तो सिंगल एक आयन जो रहता है हमारा, आयन कीपर लोहे का जो देख रहे हैं आप, इसके ऊपर इन दोनों को इस प्रकार से लगा कर चिपका कर अगर छोड़ देंगे तो इसका मैग्नेटिज्म जो है वो भी प्रिजर्व रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड। वी शुड कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम मोबाइल फोन्स, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज, कंप्यूटर्स, क्रेडिट कार्ड एंड टेलीविजन सेट्स एज दे गेट डी मैग्नेटाइज। अब हमें मैग्नेट्स को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है कि उनके अंदर भी चिप्स होती हैं। यूजेस ऑफ मैग्नेट्स की बात करते हैं, तो पहला, मोटर्स, जनरेटर्स एंड लाउड स्पीकर्स हैव पावरफुल मैग्नेट्स। आपने ये, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन एवरीथिंग ऑल दीज थिंग्स, बट आपने लाउड स्पीकर्स तो जरूर देखे होंगे। तो स्पीकर्स के अंदर एक इस तरह का ढांचा रहता है जो कि गोल होता है, और उसके पीछे की तरफ एक छोटा सा मैग्नेट लगा होता है, और ये पूरा जो पर्दा होता है इसी मैग्नेट से अटैच होता है। तो यहाँ पर इसका उपयोग होता है। इन स्क्रैप यार्ड्स मैग्नेट्स आर यूज टू सेपरेट आयरन एंड स्टील फ्रॉम जंक मटीरियल। अब जंक यानी कि कचरा जो है, एकदम कबाड़ जो है, उसमें से आयरन और स्टील को अलग करने के लिए भी मैग्नेट्स का उपयोग किया जाता है। डेटा, साउंड एंड इमेजेस आर स्टोर्ड ऑन स्पेशल सर्फेसेस कोटेड विद मैग्नेटिक मटीरियल इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क, फ्लॉपीज, ऑडियो एंड वीडियो टेप्स। अब डेटा की बात करें, साउंड या इमेजेस की बात करें, सब चीज़ें
स्टोर की जाती है ऑन स्पेशल सर्फेसेस, स्पेशल सर्फेसेस के ऊपर जिनके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल से कोटिंग की जाती है। ये बात कर रहे हैं हम हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर की, वहाँ फ्लॉपीज, ऑडियो और वीडियो टेप्स के बारे में। इसके अलावा इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स इन क्रेडिट कार्ड्स। जो क्रेडिट कार्ड रहते हैं उनके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं जिनके ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। एटीएम कार्ड और एयरलाइन टिकट्स में भी ऐसा ही होता है, यानी कि जो ये जो कार्ड्स रहते हैं इनके अंदर एक स्ट्रिप रहती है मैग्नेट की जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। इसके अलावा हम देखें तो मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास व्हिच इज़ यूज्ड बाय सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज द क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के अंदर आपने ये देखा होगा एटीएम के अंदर ये ब्लैक कलर की लाइनिंग रहती है, सो दिस इज एक्चुअली मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। तो मैग्नेट का उपयोग कंपास में भी किया जाता है जिसके बारे में जस्ट हमने देखा कि किस प्रकार से वो काम करता है, तो वहाँ भी मैग्नेट का उपयोग होता है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। इसमें एक चीज़ यहाँ पर और दी गई है, ये हम भी पढ़ के देख लेते हैं जल्दी। एमआरआई, एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नाउ मशीन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। अब ये जो आपने कई बार देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो कई बार कुछ लोगों को कंसल्ट करते हैं कि बताते हैं, उनको रेफर करते हैं कि आप एमआरआई करवा के आइए। तो एमआरआई क्या है? एमआरआई मींस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब ये जो एक मशीन होती है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। दीज मैग्नेट्स क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड विच अफेक्ट्स द बॉडी ऑफ द पेशेंट, हेल्प्स कैप्चर एन इमेज ऑफ द ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स इनसाइड द बॉडी। अब ये जो एक ये मशीन है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं और ये मैग्नेट्स जो होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड जिससे पेशेंट की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के हम इमेज ले सकते हैं, उसकी फोटो ले सकते हैं और उसके ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर जो इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूज एमआरआई स्कैन्स टू डायग्नोज ट्यूमर्स एंड एग्जामिनिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वो ट्यूमर्स और ब्रेन डिजीज या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए, पता लगाने के लिए उसको ये इस पद्धति का उपयोग करते हैं, यानी कि एमआरआई का उपयोग करते हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो यहाँ पर एक पिक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ मशीन दैट इज़ यूज फॉर एमआरआई। एक मशीन है जिसके अंदर यहाँ पर आदमी को सुला दिया जाता है और फिर ये अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर मैग्नेटिज्म, और यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने एक कंसेप्ट मैप के द्वारा बड़े अच्छे से समझाया है। तो दिस ऑल्सो यू कैन सी एंड द चैप्टर इज ओवर।